ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो बाहरी उत्तरी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। यहां लिवासपुर में अंबे गार्डन के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग के बीच ब्लास्ट और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कारण गेट के परखच्चे उड़ गए। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को जगजीवन राम हॉस्पिटल भेजा गया है। दमकल के 11 गाड़ियां घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल कर लिया गया। इस घटना में कुल 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह प्लास्टिक के बैग बनाने की फैक्ट्री थी। स्थानीय लोगों ने सुबह 11:15 आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फैक्ट्री में बीच बीच में तेज धमाके भी सुनाई पड़ रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। लोग आग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मैं स्टेशन अफसर सत्यवान बोरगढ़ अपनी ड्यूटी पे तैनात था। ड्यूटी में बताया कि मेघपुर हुआ समयपुर बादल में। मैं अपनी 2 यूनिट लेके एक ब्रांटो 2 और वाटर बाउजर 92 लेकर सीन में पहुंचा। यहाँ आग लगी हुई थी और हमने काम स्टार्ट कर दिया। काम करने के दौरान पता चला कि 3 आदमी मिसिंग हैं और वो हॉस्पिटल ले जाए गए हैं। इंजर्ड थे और 3 बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट है और 4 आदमी सेफ है। और ये PVC का काम था इसमें, ठीक है, PVC बनाने का काम था। सर, फायर की कितनी गाड़ियाँ मौके पर पहुंची? फायर की गाड़ी 7 गाड़ियाँ। ये धमाका आया अंदर, बाहर गेट पड़ा, इसमें निकल गए लेबर लावर का पता नहीं, बाकी 3-4 आदमी जा लिए हॉस्पिटल में, एक लेडीज गई है। हाँ, अंदर लेबर तो अंदर थी पर बाकी बाहर निकल गए। फिर वो लेडीज है, एक जख्मी है, एक लड़का है, वो थोड़ा फूट रहा था उसका। गैस के फटने से प्लास्टिक की कंपनी थी। अच्छा। और 4-5 लोग कूद भागे हैं ऊपर से, 4-5 लोग घायल हुए। कोई सर पकड़ के भाग रहा था तो कोई हाथ। कंपनी के अंदर हुई 30-40-50। तो कंपनी चालू थी जब ये हादसा? हाँ, चालू था। अभी लगातार आदमी रोग लगे हैं, सब आए हैं। घायलों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।